श्री कृष्ण की लीला अद्भुत थी और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से चमत्कार किए। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। हर साल हम उनके जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी मनाते हैं। श्री कृष्ण मानव अवतार के साथ धरती पर आए थे और धरती का यही सत्य है, सभी को यह शरीर यहीं पर त्यागना होता है। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। सबसे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म 3228 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट में हुआ था और उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 125 साल 7 महीने थी। लेकिन श्री कृष्ण जैसे भगवान भी अपनी मृत्यु में कर्म से बच नहीं पाए। वही भगवान जिन्होंने यशोदा मैया को अपना मुंह खोलकर ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए थे, वही श्री कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन को एक उंगली पे उठा लिया था, वही श्री कृष्ण जिन्होंने काले नाग के सर पर नृत्य किया था और द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था। इतने चमत्कारी भगवान को भी समय और कर्म की परीक्षा देनी पड़ी थी। उनकी मृत्यु से हम काफी सबक सीख सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई और फिर उनके शव के साथ क्या हुआ। ये हम सबको पता है कि महाभारत में कौरवों का अंत करने में भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा योगदान था। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था उसकी मिट्टी का रंग लाल ही है। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन का अंत हुआ था तो उनकी माता बहुत दुखी हुई। दुर्योधन की माता उनके शव पर दुख व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। वो अपने पुत्रों की मृत्यु पर इतना दुखी हुई कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया। इसके पश्चात ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पे 35 साल राज किया। श्री कृष्ण के द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहाँ युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोग विलास से लिप्त रहते थे। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र साम ने शरारत कर दी। स्त्री का वेश लेकर वो अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में साम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती हैं। वे उसे ये बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर साम को शाप दिया कि वे लोहे के तीर को जन्म देगा जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। ऋषियों का श्राप सुन साम बहुत डर गया। वो उग्रसेन के पास गया। उन्होंने बताया तुम तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रभावित कर दो। लेकिन बाद में यही उनके पिता श्री कृष्ण के मृत्यु का कारण बना, क्योंकि लोहे का चूर्ण एक मछली निगल गई और उसके पेट में जाकर वो एक धातु बन गया। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों को कई अशुभ घटना के संकेत मिले। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। वह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को द्वारका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर रहने के लिए कहा। सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर वो मदिरा के नशे में रहने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और लड़ते लड़ते मर गए। वभ्रु, दारुक और श्री कृष्ण के अलावा सभी लोग मारे गए। वंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी परमात्मा में लीन होकर अपना शरीर त्याग दिया। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी जरा नाम का एक शिकारी ने श्री कृष्ण के सुंदर पैर देखे तो उसे लगा कि वो एक हिरण है और उस पर निशाना साधकर उन्हें जख्मी कर दिया और इसी से श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। दरअसल ये तीर उसी धातु से बना था जो उस मछली ने निगला था, वही मछली जिसने साम के बाहे लोहे के चूरन को निगल लिया था। श्री कृष्ण की मृत्यु से हम सब ये सबक सीखते हैं कि भगवान भी कर्म से नहीं बच सकते। दरअसल अपने पिछले अवतार में उन्होंने भगवान श्री राम के रूप में बाली पर चुपकर वार किया था और उसे तीर से मार दिया था और वही चीज उनके साथ उनके अगले जन्म में हुई। इसके अलावा एक माँ की बद्दुआ से भगवान भी नहीं बच सकते हैं, माँ ही सबसे ऊपर है। अब जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और ये संदेश अर्जुन तक पहुँचा तो अर्जुन बहुत दुखी हो गए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक ही शेष रह गए। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होने लगे और ऐसे ही पूरा यादव वंश खत्म हो गया। जिस तीर से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई वो पेट से निकला था और यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी शक्ति तो अलौकिक है लेकिन शरीर को तो त्यागना ही पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो अपना शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए, जिसके बाद पांडवों ने उनका शरीर जला दिया। लेकिन उनके शरीर का हिस्सा दिल जलता ही रहा, जिसके पश्चात पांडव ने उनका दिल नदी में प्रवाहित कर दिया जो कि एक लठ बन गया। यह लठ राधा इंदिरम को मिल गया। उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी और उन्होंने लठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया। आज जगन्नाथ मंदिर में सभी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ये पुरी में है और 4 धामों में से एक है। इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और किसी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।